अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आब्द इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ, साजगार इंजीनियरिंग। अच्छा, इसके टेक्निकल से पहले हम थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल इसके अच्छे स्ट्रांग, ग्रेजुअली इसमें ग्रोथ नजर आ रही है और फंडामेंटल स्ट्रांग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसी यही वजह है कि ये इसका जो लो था 44 रुपए का, 44 रुपए से जो लेके इसने जब ये 1202 रुपए का हाई किया अब तक का जो है, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो 63 बता रहा है, लेकिन 52 वीक्स का, इससे पहले इसका ऑल टाइम अगर लो देखें तो यहाँ पे 44 रुपए नजर आ रहा है। और इसका जो अपना हाई था वो भी उसने ब्रेक किया है और एक नया हाई बनाना बनाया इसी वीक में 1202 रुपए का। अभी इसमें समझे इस वजह से जो है वॉलेटिलिटी ज्यादा नजर आ रही है, कि जिस तरह मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशन अच्छी है अच्छे ईपीएस की और अच्छे पे आउट की, तो इस वजह से इसमें हम अभी ज्यादा डिक्रीज नहीं देख रहे हैं प्राइस में भी, वॉल्यूम में, वॉल्यूम भी अच्छे बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, तो पी रेशियो जो है थोड़ा सा यहाँ ज्यादा नजर आ रहा है, 14.37 इसका पी रेशियो है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। वैसे मेरे हिसाब से तो 5 के मल्टीपल पे होना चाहिए, 5 और 6 के मल्टीपल पे। अच्छा, जून एंड है इसका, तो अभी इसका फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो आने एक्सपेक्टेशन है उसके आने की अच्छी। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ी ग्रोथ बता दूं। देखिए, इसका पहले ईपीएस 70 पैसे था 2020 में, 2021 में 1.25 रुपए ईपीएस था। सेल भी देखें साल दर साथ साथ इंक्रीज हो रही थी 2022 और 2023 में 16 रुपए। तो इस पर अभी एक्सपेक्टेशन है कि ये तकरीबन 20 रुपए के अराउंड जो है इसकी ईपीएस हो सकती है, 20 रुपए के ऊपर भी आ सकती है। तो इसको देखते हुए इसमें हम वॉलेटिलिटी काफी देख रहे हैं, और उसमें जिस तरह से मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं वापिस आ जाता हूँ इसके टेक्निकल की तरफ। यहाँ पे जो 1180 रुपए की जो सीपीआर का लेवल है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ वैसे तो 1175 रुपए का इसका अपर बैंड है, इसके ऊपर ये सस्टेन करता है। सस्टेन का मतलब कि ये इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन जाता है। अगर ये आता भी इंट्राडे में, नीचे भी आता है जिस तरह पहले भी आया है इसी दिन इसी वीक में, देखें नीचे भी आया है, तो वीक की क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर भी काफी हुआ अप डाउन अप डाउन दिखाया, ठीक है। तो वीक की क्लोजिंग, एक तो ये मिडिल बैंड है, वीक की क्लोजिंग यहाँ आई थी, फिर उसके बाद बेरिश कैंडल बनी, फिर वीक उसके बाद की वीक की क्लोजिंग इसके ऊपर आई, अब इस वीक की क्लोजिंग, तो ये देखें तो जो भी वीक की क्लोजिंग है उसके ऊपर ही आ रही है, तो दैट मीन्स के अच्छे चांसेस यहाँ पे आगे जाने के। लेकिन टेक्निकली देखें आरएसआई तो काफी हाई पे चला गया है, मतलब ओवरबॉट जोन में है, 84 इसका आरएसआई है। और अगर डेली पे हम नजर डालें, डेली पे इसका आरएसआई जो है वो 65 पर है, ठीक है। लेकिन वीकली पे काफी हाई हो गया इसका आरएसआई, और अगर हम इसके लाइन चार्ट के साथ, लाइन चार्ट के मदद से हम इसका ट्रेंड लाइन अगर हम देखें बनाएं, अगर हम यहाँ पर, यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन बनाते हैं ये लाइन चार्ट के हिसाब से, यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस जो ये तोड़ चुका है, ठीक है। मैं आपको जब कैंडल स्टिक बताऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस तोड़ चुका है ये है, और ये डाउन साइड पे अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, डेली पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे हल्का सा ये समझे फॉलिंग वेज, सॉरी राइजिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे आरएसआई पे तो ये यहाँ पे हल्का सा डाइवर्जन नजर आ रहा है बेयरिश। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशन अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है इसकी, तो देखें यहाँ पे इसको ये ब्रेक किया है। जिस तरह मैं आपको फिर मौका मिलेगा तो एफएफबीएल का भी बताऊंगा, एफएफबीएल का भी इसी तरह राइजिंग वेज था, लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी आई है और उसकी न्यूज जो आई है एमएसएम इंक्लूजन की, उसकी वजह से इसमें हमने अपसाइड देखा है। एफएफबीएल में, एफएफबीएल ने भी ये रेजिस्टेंस तोड़ा है राइजिंग वेज का अपर, जो अपर जो है अपर साइड जो है इसका रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस वक्त अगर आप देखें तो, इसको इसको इसने ब्रेक कर दिया इसी वीक में। लेकिन एक बात बता दूं आपको मैं, कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप जो है आप एग्रेसिव बाइंग करें। मैं याद रखिएगा, मैं आपको अभी भी वॉर्न कर रहा हूँ कि एग्रेसिव बाइंग यहाँ ना करें, ठीक है। थोड़ा वेट करें, एटलीस्ट अनाउंसमेंट का वेट करें, या फिर टेक्निकली इसने मैंने बताया ना 1175 है, तो 1180 सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एंट्री लेनी भी है तो थोड़ा डाउन साइड का वेट करें। अच्छा, डाउन साइड यहाँ पे देखें, एक ये इसकी जो सपोर्ट है यहाँ पे, एक ये पत्ती भी नजर आ रही है, ये वाली सपोर्ट, ठीक है, ये ठीक है, ये जो यहाँ पे इसने ये डोजी बनाया था, इसके बाद जो
एक बेरिश कैंडल बनी थी, फिर अगेन एक डोजी बना, फिर मार्केट ही अपसाइड। और वैसे भी टेक्निकली देखें तो ये इसको हम टेक्निकल टर्म, जैसे कोई बेरिश कैंडल बनती है लगातार तीन, तो थ्री ब्लैक क्रॉस कहलाते हैं। फिर इसके आगे कोई डोजी बनता है अच्छा और बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर उसमें मजीद अपसाइड देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये थ्री व्हाइट सोल्जर्स हैं, उसको कंसिक्यूटिव थ्री कैंडल बनती हैं, तो इसको हम थ्री व्हाइट सोल्जर बोलते हैं। इसके बाद भी अगर कोई यहाँ पे कोई डोजी बनता है और डोजी के ऊपर कोई अपसाइड बुलिश बनती है, तो फिर यहाँ पे ये और मजीद आपको जो है लेवल जो है इसमें नजर आएंगे बढ़ते हुए अपसाइड की तरफ, ये मजीद जा सकता है। अब ये हम देखेंगे कितना जा सकता है, तो वापस हम वीकली पे आएंगे लाइन चार्ट के साथ मदद से, हम इसको देखेंगे और इसमें हम अप्लाई, इसमें हम प्लॉट करेंगे फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यहाँ प्लॉट करेंगे। ये इसका हाई था लाइन चार्ट के हिसाब से, ठीक है, और ये इसका लो था लाइन चार्ट के हिसाब से। हम ये ले लेंगे ये वाला एरिया, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पे ये देखें सिंक्रोनाइजेशन कितनी नजर आ रही है यहाँ पे, कि यहाँ पर ये 1173 बता रहा है और 1175, यही इसका रेजिस्टेंस है मेन। अगर इसको जिस तरह मैंने बताया सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, तो अगला लेवल जो होगा वो 1254 रुपए का, 1250, 1254, ये अपसाइड प्लस माइनस होगा ये, क्योंकि अगर 1200 की रेंज में तो 100 रुपए, 50 रुपए अगर ये अप डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे अगला फिर ये लेवल होगा। फिर इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 1334 का लेवल होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ रेजिस्टेंस, मुझे लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है आरआई से भी काफी हाई हो जाएगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अव्वल तो पहले तो आपने यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है 1180, 1200, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आरआई से यहाँ पे भी ज्यादा हाई है और डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट टेकिंग करें बजाय इसके कि आप यहाँ पे बाय करें। बाय का लेवल मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको फिर बता देता हूँ डेली चार्ट के हिसाब से। हम वापस उसमें आते हैं कैंडल पे, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा अभी रिमूव कर देते हैं ये, ठीक है। एक ही लेवल बता दिया मैंने आपको, फिर ये इसके बाद जो दूसरा लेवल है वो 1097 या 1100 रुपये, एक ही लेवल है अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ले लें तो, ये वाला लेवल ले लेते हैं, ठीक है, 1100, 1093 का, 1097, 1093, और डाउन साइड पे जो है ये बीच में ये अच्छा सपोर्ट बनता होना, उसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ सपोर्ट के लिए, एक अलग सा कलर दे देते हैं ताकि पता चले कि ये ग्रीन कलर जो है सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया है, और वैसे भी सीपीआर का ये मिडिल बैंड है। लोअर साइड पे देखें तो वैसे सीपीआर का जो 1020 है, लेकिन इस स्टॉक ने जो यहाँ से दो दफा इसको बॉटम बनाए यहीं पर ही, और यही सपोर्ट लिए 1033 के अराउंड, ठीक है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिए, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे भी विक बन सकती है, जिस तरह यहाँ विक बनी है तो एक विक यहाँ पे भी बन सकती है इंट्राडे में, और इवन देखें यहाँ पर भी एक है नेक लाइन सपोर्ट है, ये इसकी यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ सपोर्ट है। तो जैसे क्योंकि देखें ये काफी स्टॉक हैवी हो गया, यहाँ से 1100-1200 की रेंज का है, तो इसमें जो 400-500 की भी विक बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। असल चीज है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एटलीस्ट 1120 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यही लेवल है 1097, 1180, फिर ये आने वाले दिनों में इसको भी अगर ब्रेक करता है तो ये 1250 के करीब भी ये वापस जा सकता है। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। अनाउंसमेंट का मैं तो समझता हूँ अनाउंसमेंट का वेट करें, तब तक आप थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग ही करें। एटलीस्ट यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे विक बनती हुई देख रहे हैं, विक का अपर साइड भी विक होती है कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है यहाँ पे, ठीक है, रिजेक्शन आ रही है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ये रेड लाइन बना देता हूँ, ये एक रिजेक्शन एरिया है 1194 का, 1200, देखिए इवन 1200 भी किया, लेकिन देखिए क्लोजिंग जो है इसका सीपीआर लेवल उससे नीचे आई है, 1169 के अराउंड क्लोजिंग आई है। तो थोड़ा अभी थोड़ा कॉशियस रह के काम करें, स्पेशली इस स्टॉक में क्योंकि काफी अच्छा गेन मिल चुका है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि थोड़ा राइजिंग वेज भी बन रहा है, फिर RSI भी ओवरबॉट जोन में है, डाइवर्जेंस भी आ रहा है, तो जैसे बताते हैं हैवी स्टॉक में एग्रेसिव होना मेरे हिसाब से तो अकलमंदी की बात नहीं है, थोड़ा वेट करना चाहिए। इसमें आप ट्रेड करते रहें, अच्छा आपको गेन मिलता है इंट्राडे में, आप ट्रेड करें, डाउन साइड पे बाय करें और अपर साइड पे आप इसको सेल करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।